नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 25 इंपॉर्टेंट जनरल साइंस का क्वेश्चन पेपर करवाएंगे जो आपके सभी ट्रेड के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो के लास्ट में आप सभी से क्वेश्चन पूछूंगा जिसका राइट आंसर आप सभी को कॉमेंट करके बताना है और इसका PDF मैं आपको बिल्कुल फ्री में दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कॉमेंट करके बताना है कि आपका टॉप 25 इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किस टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, यानी कि विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन आपका रिकेट से, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी रक्तअल्पता या फिर ऑप्शन नंबर डी बेरीबेरी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, विटामिन B1 की कमी से जो रोग होता है वो आपका बेरीबेरी नामक रोग होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी बेरीबेरी, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से जो होता है वो आपका रिकेट्स रोग होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से जो होता है वो आपका रतौंधी होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नंबर क्वेश्चन की ओर। दो नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन आपका पटेला, ऑप्शन बी स्टेपिज, ऑप्शन सी टिबिया या फिर ऑप्शन नंबर डी होम्यूरस। क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड है, अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइएगा कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो देखिएगा, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो होता है वो आपका स्टेपिज होता है। ऑप्शन बी स्टेपिज जो भी लाइव चैट में बताया है उनके आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। स्टेपिज जो होता है वो आपका एक प्रकार का कान का हड्डी है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन नंबर क्वेश्चन को। तीन नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच पार्ट ऑफ द आई डिटरमाइन द कलर ऑफ द आई। देखो, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जल्दी से बताना कि आंख का कौन सा भाग है जो आंख के रंग का निर्धारण करता है। ऑप्शन आपका पुतली, ऑप्शन बी आइरिस, ऑप्शन सी कॉर्निया या फिर ऑप्शन नंबर डी आईलिड। अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना, आपको टाइम बहुत ही कम मिलेगा, जितना जल्दी हो सकता है इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी आइरिस, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है, क्वेश्चन को सुनिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो आपका कॉर्निया भाग को हम लोग दान करते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चार नंबर क्वेश्चन को। चार नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच कलर ऑफ लाइट शोज मैक्सिमम डिविनेशन वेन इट पासेज थ्रू अ प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। ऑप्शन आपका श्वेत, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी बैंगनी या फिर ऑप्शन नंबर डी हरा। क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड है, अगर आपको आता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बैंगनी, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन सी बैंगनी बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पाँच नंबर क्वेश्चन की ओर। पाँच नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, क्वेश्चन आपसे पूछा कि एस्ट्रोनॉट कैन सी द स्काई, यानी कि देखो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। आपको बताना कि अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उनको आकाश किस कलर का दिखाई देता है। ऑप्शन आपका श्वेत है, ऑप्शन बी गहरा नीला, ऑप्शन सी हल्का नीला या फिर ऑप्शन नंबर डी काला। तो देखिएगा, अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश का रंग होता है वो आपका कैसे दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ब्लैक, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छः नंबर क्वेश्चन को। छः नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु आर द फर्स्ट टू मेजर द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। ऑप्शन आपका गैलीलियो, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी रोमर या फिर ऑप्शन नंबर डी आइंस्टाइन। क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड है, अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, प्रकाश का वेग सबसे पहले जो नापा गया था वो आपका ओलस रोमर के द्वारा मापा गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी रोमर, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 1676 में मापा था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सात नंबर क्वेश्चन को। सात नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है द रीजन फॉर द राउंडनेस ऑफ अ स्मॉल बबल्स ऑफ वाटर रिच, यानी कि दो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पानी के छोटे छोटे बुलबुले के गोले का कारण क्या। आपको पता है कि जब पानी पड़ता है तो उसका जो बूंदों का आकार होता है वो आपका गोलाकार होता है, वो आपको बताने किस कारण से होता है। ऑप्शन आपका गुरुत्व, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी सैनता या फिर ऑप्शन नंबर डी पिट्स तनाव। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पिट्स तनाव, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी सरफेस टेंशन बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आठ नंबर क्वेश्चन को। आठ नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है हु इन्वेंटेड रडार, यानी कि रडार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। जल्दी से बताइए कि रडार का आविष्कार जो होता है वो किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन चार आपके सामने है, तो जल्दी से चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है
है और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा रडार का आविष्कार जो किया गया तो आपका रॉबर्ट वाटसन वाट के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट वाटसन वाट यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नौ नंबर क्वेश्चन को। नौ नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ, देखो क्वेश्चन आपसे पूछा कि न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है, ऑप्शन आपका ऊर्जा की, ऑप्शन बी कार्य की, ऑप्शन सी संवेग की, या फिर ऑप्शन नंबर डी जड़त्व की। क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड है और आपके पेपर में आने का पूरा पूरा चांस है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जड़त्व यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट, यानी कि न्यूटन का तीसरा गति का नियम जो होता है वो आपका जड़त्व की संकल्पना देता है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दस नंबर क्वेश्चन को। दस नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्प करेगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्विक सिल्वर, यानी कि क्विक सिल्वर जो होता है वो किसका रासायनिक नाम है। आपको बताना है कि क्विक सिल्वर जो होता है इन चारों ऑप्शन में से किसका रासायनिक नाम है, ऑप्शन आपका पारा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी स्वर्ण, या फिर ऑप्शन नंबर डी तांबा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पारा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट होगा, जिसे हम लोग HG भी कहते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्यारह नंबर क्वेश्चन को। ग्यारह नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज फाउंड इन फ्री स्टेट, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ऑप्शन आपका तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी दस्ता, या फिर ऑप्शन नंबर डी सीसा। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से आपको छांट कर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए तांबा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, जो भी ऑप्शन नंबर ए तांबा पता है उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बारह नंबर क्वेश्चन को। बारह नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि स्लीपिंग अंडर अ ट्री एट नाइट इज हार्मफुल बिकॉज ट्रीज लीव, देखो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। आपको बताने के लिए मेरे को रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है, आपको बताना है क्योंकि पेड़ कौन सा गैस छोड़ते हैं, ऑप्शन आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड। देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड जो भी बताए हैं उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, जिसे हम लोग CO2 के नाम से भी जानते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरह नंबर क्वेश्चन की ओर है। तेरह नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, आपको बताना कि लोहे का शुद्धम रूप कौन सा है, ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी ढलवा लोहा, ऑप्शन सी कच्चा लोहा, या फिर ऑप्शन नंबर डी पीटवा लोहा। जल्दी से बताना है कि लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है। तो देखिएगा लोहे का शुद्धतम रूप पूछा है तो लोहे का शुद्धतम रूप जो होता है वो आपका पीटवा लोहा होता है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौदह नंबर क्वेश्चन को। चौदह नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज द लोएस्ट डेंसिटी, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किस द्रव का घनत्व जो होता है वो सबसे कम होता है, ऑप्शन आपका स्वच्छ जल, ऑप्शन बी नमकीन जल, ऑप्शन सी पेट्रोल, या फिर ऑप्शन नंबर डी मरकरी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी पेट्रोल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, पंद्रह नंबर क्वेश्चन को। पंद्रह नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है, आपको बताना है कि हम लोग अशुद्ध यानी कि खराब कपूर को हम लोग किस प्रकार से शुद्ध कर सकते हैं, ऑप्शन चार आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका उद्रपादन द्वारा, ऑप्शन बी प्राभाजी कृष्टिकलन द्वारा, ऑप्शन सी प्राभाजी आसवन द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी भापीय आसवन द्वारा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है उद्रपातन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, और इससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाकर के जल्दी से एक एक लाइक कर देना है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आता है उसे ऑल पर दबा लो, और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इसे वीडियो को शेयर करो ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सके। और इसका PDF मैं आपको बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम में दे दूंगा या व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन है उसे ऑल पे जरूर दबाना है। देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है, आपको बताना कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कुकिंग सोडा, ऑप्शन चार आपके सामने है। तो देखिएगा खाने के सोडा का रासायनिक नाम जो होता है आपका सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपसे पूछा कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था, ऑप्शन आपका नागासाकी, ऑप्शन बी हिरोशिमा, ऑप्शन सी टोक्यो, या फिर ऑप्शन नंबर डी हांगकांग। क्वेश्चन बहुत ईजी है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को याद होगा, तो जल्दी से बताना कि पहली बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हिरोशिमा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट होगा। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फेंका गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन।
की ओर है। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आपसे पूछा कि विच मेटल इज यूज इन द मैनुफैक्चर ऑफ लेड पेंसिल, आपको बताने के सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका ग्रेफाइट है, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी कार्बन है, या फिर ऑप्शन नंबर डी अब्रक। क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड है और आपके पेपर में बहुत बार पूछा भी गया, तो जल्दी से बताने कि पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को, 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है द मेन कॉम्पोनेंट, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को, और 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, यानी कि बायोगैस का मुख्य घटक है, आपको बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन है बायोगैस का एक प्रमुख घटक है। ऑप्शन आपका ऑक्सीजन है, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी एसेटिक एसिड, या फिर ऑप्शन नंबर डी मिथेन एल्कोहल। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी मिथेन, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट होगा, जिसे हम लोग CH4 के नाम से भी जानते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को, और 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि एटमॉस्फेरिक गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, आपको बताना है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है। ऑप्शन आपका ओजोन है, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, या फिर ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना, आपको टाइम बहुत ही कम मिलेगा, अगर आपको आता है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को, और 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वायुमंडल में कौन सी गैस परावैगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है, आपको बताना है कि विच गैस इन द एटमोसफेयर एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेज। ऑप्शन आपका ओजोन है, ऑप्शन बी मिथेन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन है, या फिर ऑप्शन नंबर डी हीलियम। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अगर आपको पता है तो जल्दी से बताना कि वायुमंडल में कौन सी गैस परावैगनी किरणों को अवशोषण कर लेता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ओजोन, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को, और 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि टिश्यू आर मेड इन द बॉडी, यानी कि शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है। ऑप्शन आपका वसा से, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट से, ऑप्शन सी प्रोटीन से, या फिर ऑप्शन नंबर डी विटामिन से। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन से, जो भी ऑप्शन सी प्रोटीन बताए हैं उनके आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन की ओर है, 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि इन विच स्टेट इज द कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड, यानी कि कोडरमा वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन आपका झारखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गुजरात, या फिर ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिए कोडरमा वन्य जीव अभयारण्य जो होता है वो आपका झारखंड राज्य में है, ऑप्शन है आपका झारखंड, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को, 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सेकेंडरी पॉल्यूशन, यानी कि निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है। ऑप्शन आपका वो जोन है, ऑप्शन बी बेंजीन, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर ऑप्शन नंबर डी कार्बन मोनोऑक्साइड। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा द्वितीय प्रदूषक पूछा गया है, तो द्वितीय प्रदूषक को जो कहा जाता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड को कहा जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और प्रथम प्रदूषक जो कहा जाता है वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन की ओर, 25 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन है। ऑप्शन आपका विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आपको याद है तो जल्दी से बताना कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन कौन सा है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, जो भी बताए हैं उनके आंसर बिल्कुल ही राइट होगा। दोस्तों आज की क्लास हमारे यहाँ पर खत्म होता है, अब आपको मैं एक HW के तौर पर क्वेश्चन दूंगा जिसका राइट आंसर आप सभी को HW करके कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, इसका राइट आंसर आप सभी को HW करके कमेंट बॉक्स में बताना। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना है, और अगर इसका PDF लेना तो आप WhatsApp ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, सभी का लिंक नीचे दिया हुआ है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के टेलीग्राम या WhatsApp ग्रुप ज्वाइन करना, इसका PDF मैं आपको जल्दी दे दूंगा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के ज्वाइन करना है, और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है, और कमेंट करके बताना कि टॉप 25 इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के टेस्ट में कितना क्वेश्चन से होता है, और HW का भी आपको आंसर बताना है कमेंट करके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद जय भारत।